बैडमिंटन चैंपियन खिलाड़ी ब्राजील ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता आदित्य यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद अपने जनपद पहुंची आदित्य यादव के पिता रेलवे बैडमिंटन कोच दिग्विजय यादव ने बताया कि मेरी बेटी बचपन से ही मूक बधिर है या बोल नहीं सकती। आदित्य यादव को बैडमिंटन खेलने का शौक था। आज उसने अपने जनपद और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई दिया और खूब सराहना की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बुलाकर अपना आशीर्वचन दिया और कहा कि ऐसे ही मेहनत करती रहो और आगे बढ़ो। और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के द्वारा सम्मानित किया गया। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेलवे बैडमिंटन कोच एवं पदक विजेता आदित्य यादव के पिता दिग्विजय यादव ने कहा, मेरा नाम दिग्विजय यादव है, मैं रेलवे में बैडमिंटन कोच हूँ और ये मेरी बिटिया आदित्य यादव जो बचपन से ही मूक बधिर है, वो सुन बोल नहीं सकती है और उनकी खेल के लिए मैंने बहुत कोशिश किया कि ये बैडमिंटन के लिए, फिर ये जब छोड़ी थी तभी से मैंने इनको खिलाना शुरू कर दिया था और फिर इन्होंने अच्छा मतलब अपने खेल को प्रदर्शन करते हुए काफ़ी अच्छा खेला और आज आपका नाम रोशन कर आज नाम रोशन कर रही हैं। और ये क्या बोलते हैं कि डेफ ओलंपिक में ब्राज़ील में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टीम चैंपियनशिप में, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट कर इनको बधाई दिया था कि हमारे समाज में ऐसे बच्चे जो डेफ में हैं ये बच्चे भी हम नॉर्मल बच्चों की तरह कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, हाँ, और प्रधानमंत्री जी ने इन बच्चों को अपने आवास पर बुला के इन बच्चों को भी सम्मानित किया था और उन्होंने बधाई भी दिया है इन बच्चों को कि आगे भविष्य में ये लोग बहुत अच्छा करें। कुछ कहा भी उन्होंने कहा कि आदित्य को बोला स्पेशली कि और थोड़ा मेहनत करिए, अभी आप अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं।